हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल महाजन है। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। आज जो मैं आपके सामने फंड लेके आया हूँ, ये है कोटिक ब्लू चिप फंड। हम इस फंड के बारे में जानेंगे कि कितना रिटर्न जनरेट किया जब से ये फंड आया है, कौन है इसके फंड मैनेजर, आने वाले टाइम पे फंड कैसे रह सकता है, ताकि आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग गोल अचीव कर सके। इस फंड के थ्रू आपको पूरा आइडिया हो जाए कि आपको ये करना चाहिए इस फंड में इन्वेस्ट या नहीं करना चाहिए, पूरा आइडिया हो जाएगा। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप तक और फंड्स लेके आ सकूं। और इसके अलावा मैं आपके साथ इसी वीडियो में एक आर्टिकल शेयर करूंगा। आपने क्या करना है, अपना जो फाइनेंशियल प्लान है उसमें बनाना है, ताकि आप जो है जो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, आप अगर वो क्लियर हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है म्यूचुअल फंड को किसी गोल के साथ जोड़ के आप वो गोल अचीव कर सकते हैं। बेसिक पर्पस आपका ये होना चाहिए, फ्यूचर में कोई लोन ना लेना पड़े। ठीक है, तो मैं वो लिंक और आर्टिकल आपसे शेयर भी करूंगा। ठीक, ये आपके सामने आर्टिकल, ठीक है, इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे इस आर्टिकल पे पहुंच जाएंगे। हम बेसिक पर्पस इस आर्टिकल का ये है कि जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं या फिर हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर हम उसको किसी गोल के साथ जोड़ दें, लाइक किसी की चाइल्ड एजुकेशन गोल होगा अपने बच्चों के लिए, या चाइल्ड मैरिज होगी, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग होगी, अगर आप इन सारी स्कीम्स को किसी तरीके से इनके साथ जोड़ दें, आप ना सरप्राइज हो जाएंगे। आपको कभी लोन भी लेना पड़ेगा और आपके जो है रिटर्न भी जो है इजिली अचीव हो जाएंगे, आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे मैंने इसमें क्या किया, चाइल्ड एजुकेशन के अंदर जो है कैलकुलेटर लगाया हुआ है, ऐसे ही चाइल्ड मैरिज में भी कैलकुलेटर लगाया है। ये बेसिकली कैलकुलेटर क्या है, आप अपनी वैल्यूज फिट करो और इसके थ्रू जो है ये आपको बता दे कितनी आपको सिर्फ चलानी चाहिए। ठीक है, चाहे वो अक्रॉस द स्कीम हो, जैसे यार रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो बेसिकली ये आर्टिकल आप जरूर यूज कीजिए साथ ही साथ उस स्कीम के साथ। अभी हम क्या करेंगे, स्कीम के बारे में रिव्यू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा ये फंड है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ना इन कैलकुलेटर्स में जाइए, क्योंकि ये आप ना बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ जो है आपको बस डालना है और वो अपने आप एक्सप्लेन करके आपको आंसर दे देगा, इससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो आओ अब इस फंड के बारे में हम जान लेते हैं। अगर हम स्कीम की बात करें तो ये जो स्कीम है लार्ज कैप स्कीम है, जो कि निफ्टी 50 में पैसा लगाते हैं, और काफी पुराना फंड है ये। 1 जन 2001 में जो है इंसेप्शन डेट है इसकी, और जो एसेट अंडर मैनेजमेंट ये मैनेज कर रही है वो करीब 2500 करोड़ के करीब मैनेज कर रही है। ठीक है, और इसके जो फंड मैनेजर है हरीश कृष्णन है। तो अगर हम इसके फंड की परफॉर्मेंस देखें तो इस स्कीम ने 1 साल में 56% का रिटर्न दिया, 3 सालों में 15% सालाना रिटर्न दिया, 5 सालों में ऑलमोस्ट 14.5% सालाना रिटर्न दिया, और सिंस इंसेप्शन 18.5% का रिटर्न दे रहा है, जो कि काफी अच्छा है। तो अगर हम इसके टॉप 10 होल्डिंग्स देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में 8.5% के करीब ऑलमोस्ट लगा रहा है पैसा, एचडीएफसी में 7.5%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 7.5%, इंफोसिस में 7.07%, टीसीएस में 4.66%, एचयूएल में 3.54%, एक्सिस में 3.30%, एचडीएफसी में 3.04%, कोटक महिंद्रा बैंक में 2.53% एंड एलएनटी में 2.50% के करीब ये पैसा लगा रहा है। अगर हम इसके सेक्टर देखें तो ज्यादा ही ओवरवेट है फाइनेंशियल्स में। अगर देखें तो फाइनेंशियल में तो 32% के करीब इसने पैसा लगाया हुआ है, टेक्नोलॉजी में 15% के करीब, एनर्जी में 10% के करीब, एफएमसीजी में 9.5% के करीब, ऑटोमोबाइल में 5.96% के करीब, हेल्थ केयर में 4.75%, कंस्ट्रक्शन में 4.69%, सर्विसेज में 3.64%, केमिकल में 2.40%, और ऐसे ही अदर्स में 10.5% के करीब इसमें पैसा जो है लगाया हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमने 15 साल पहले इस स्कीम में पैसा लगाया होता इन द फॉर्म ऑफ सिप, हम 10,000 रुपीज की सिप लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज तक कितना पैसा बना है, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमें इस फंड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में आपको पूरा आइडिया हो जाए। तो हमने ये पैरामीटर सेट कर दिए हैं सिस्टम में। हमने बोला है 1 जन 2006 में किसी ने सिप स्टार्ट की हो 10,000 रुपए की, हर पहली तारीख को इन्वेस्टमेंट होगी और आज तक वो स्कीम चला रहा है, तो कितना पैसा बना, तो आओ देखते हैं कितना पैसा बना है। तो आप देख रहे हैं कि 47 रुपीज की नैब थी उस समय। ठीक है, नैब मीन्स कि उस स्कीम की कितनी कीमत थी। ठीक है, 10,000 रुपए की हमारी स्कीम में पैसा जा रहा है, ऐसे हर महीने हम 10,000 रुपए डाल रहे हैं, डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट नैब आ रही है। 2007 आप देख रहे हो कि हर महीने इन्वेस्टर जो है पैसा डाला जा रहा है, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे ही हर ईयर में डाले जा रहे हैं, और करते करते जो है वो 2021 तक पहुंच गया। लास्ट उसकी जो इन्वेस्टमेंट गई है 1 जून 2021 में गई है, तब 331 रुपए की नैव हो गई थी स्कीम की। तो अब देखते हैं कि कितना पैसा बना उसके आज तक जो पैसे गए हैं, आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट में देखिए 18,60,000, आज की डेट में उसके जो पैसे बन गए 55,79,000 के करीब बन गए हैं। ठीक है, और उसको 13% का रिटर्न आ रहा है, तो मेरे को लगता है काफी अच्छी स्कीम है।
एक लार्ज कैप स्कीम, अच्छी लार्ज कैप स्कीम है, आप अच्छा पैसा बिल्ड कर लोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आप जो है ये फंड जो है आपके लिए अच्छा रह सकता है अगर आप जो है इसको सिलेक्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग गोल के लिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और फंड्स आप तक लेकर आए, और उस आर्टिकल को जरूर यूज कीजिए ताकि जो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग गोल भी अचीव हो जाए। थैंक यू।